पापा मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? भाई ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, इफ्तिखार का यूं आ जाना, उसकी शरायत और फिर आपके एटीट्यूड में इतनी तब्दीली, इतने सारे चेंजेस। बिल्कुल सही बात है, हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक ऐसा फेज जरूर आता है जबकि उसको रियलिटीज का, जिंदगी की हकीकतों को फेस करना पड़ता है और इंसान में उसके लिए हौसला होना चाहिए। अगर अब आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन अगर इफ्तिखार ने, अगर उसने कुछ किया, क्या मतलब? मतलब वो इतना अग्रेसिव है, इतना वायलेंट है और उसके अब्बा के भी इतने उल्टे सीधे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की। छोड़ो बेटा तुम। अरे बेटा, मैंने इतने साल जो जिंदगी गुजारी है तो बाहर नहीं छोड़ा है। ये क्या चीज है? इससे बड़ी बड़ी धमकियां और थ्रेट्स मैंने देखी है, उनका मुकाबला किया, उनको हैंडल भी किया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको बस अवॉइड मिले ही ना, पहले तो खुद जाके हम खुला के एप्लीकेशन दे देते हैं। देखो बेटा, जिस ससुर का वो घटिया आदमी है ना, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं तो बस चाहती हूँ उसको हम हर हालत में अवॉइड कर लें। पैर तो फिक्र मत करो, मैं इस किस्म के लोगों को अच्छी तरह से हैंडल करने का तरीका जानता हूँ। मेरे पास बहुत तरीके हैं इनसे निपटने के, बहुत तरीके हैं। कल आपने मुझे बताया नहीं कि आपने किस लिए बुलाया है मुझे। याद है, मुझे याद है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ बता, तुम क्योंकि मुझे बार बार फोन करते रहे तो मैंने सोचा कि अच्छा आ जाओ। अंकल आप जानते हैं ना कि आपके एक बहुत बड़े मसले का ताल्लुक मुझसे है। हाँ, यस 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 यस, मुझे याद आया। बकौल आपके कि वो जो मेरा मसला, मतलब हमारा जो मसला है, वो आप क्यों हल कर सकते हैं ना। देखो इफ्तिखार, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं बताऊँ कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? और खुदार एक बात याद रखो कि तुम्हारी उम्र के दो लड़के हैं ना, 36 लड़कों को मैंने 36 दफा भेज दिया, तुमको पता भी नहीं चला। मैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर देख सकता हूं, आई कैन सी थ्रू योर माइंड। मुझे इसी तरह मालूम है कि तुम क्या सोचकर किस इरादे और प्लान के तहत यहां पर आए हो। अगर कहो तो मैं चंद जुमले में बता दूं। तुम यहां पर ये सोच कर आए थे कि पहली बात, नंबर वन, कि तुम्हारे बाप के खिलाफ जितने केसेस हैं वो मैं किसी तरह से खत्म करवा दूं। नंबर दो, कि तुम्हारे बाप की जितनी जायदाद और प्रॉपर्टी है उसको रिलीज करवा दूं, हुकूमत से छुड़वा दूं। नंबर तीन, उस सारी जायदाद और प्रॉपर्टी को बिकवाने में तुम्हारी मदद करूं और जब वो बिक जाए तो उसका जितना पैसा है वो तुम्हारे बाप के नाम बाहर ट्रांसफर करवा दूं। और जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर तुम सरीमा से शादी करोगे। Isn't it? Am I right? जी
इफ्तिखार, या तो तुम मुझे एक बेवकूफ आदमी समझते हो या तुम्हारे नजदीक मैं इस मुल्क का सबसे ताकतवर और पावरफुल आदमी हूं कि मेरे कहने से सब कुछ हो जाएगा, या मेरे हाथ में जादू की छड़ी है कोई। बट आई डोंट माइंड एडमिटिंग वन थिंग, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैंने अपने कैरियर के दौरान कुर्सी का सहारा लेकर बहुत सारे गलत फैसले किए जिसका पछतावा है मुझे, जिसमें मैं नादिम हूं। लेकिन शायद मेरी कोई नेकी या मेरे माँ बाप की दुआ है जिसकी वजह से अब तक मैं अल्लाह के अजाब से किसी हद तक बचा हुआ हूं। अगर एक बात याद रखो इफ्तिखार, तुम, मैं या तुम्हारे बाप, हम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और हम कानून से कभी भी भाग नहीं सकते। कानून हमेशा हमारा पीछा करता रहेगा। अच्छा, तो ये आप हैं जिन्होंने कुछ लोगों को मेरे पीछे लगाया हुआ है? मैंने लगाया हुआ? दे, मुड़ के देखो। ये तकार फारूकी साहब, आपको हमारे साथ चलना है। अजीम साहब, आपने अच्छा नहीं किया।